सो हे गाइस, दिस इज आईएनजी हियर एंड यार बात कर लेते हैं गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग कम्युनिटी से जुड़ी काफी सारी न्यूज को लेके। लेकिन यार वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस लाल वाले बटन को दबा के यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड यार उसके बाद घंटे के आइकन को भी दबा देना, जिससे कि अगली वीडियो जब भी आएगी वो यार आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगी। सो हमारी सबसे पहली जो न्यूज है वो है पीएमसीओ के ग्रुप स्टेजेस के मैचेस को लेकर। तो पीएमसीओ के ग्रुप स्टेजेस का कल फाइनल डे था एंड इसके बाद जो ओवरऑल स्टैंडिंग है उसमें टीम फेनेटिक नंबर 1 पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है टीम ओआर एंड थर्ड पोजीशन पे है एमवाईएम की टीम। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पीएमसीओ के सेमीफाइनल आज से स्टार्ट होने वाले हैं एंड यहां से टॉप 16 टीम्स को सेलेक्ट किया जाएगा फाइनल के लिए। सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है टीम फेनेटिक को लेकर। तो कल जब फेनेटिक ओवरऑल स्टैंडिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आई थी तो फेनेटिक के कोच और हमने एक क्यूने सेशन किया था पूरी टीम के साथ। वहां पे काफी सारे बंदे थे जो उनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे, तो उसका भी एक पार्ट मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। गाइस आज के कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस है तो पूछो, आज पहली बार फेस कैम पे आया, जवाब देगा सारे कुछ भी एक्सक्लूसिव जो एज से रिलेटेड हो पहले वो पूछो, बारी बारी करके सब बैठेंगे। सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है स्काउट को लेके। तो कल पीएमसीओ के दो मैचेस में स्काउट अपनी टीम के साथ नहीं खेल पाए थे एंड इसके बाद काफी ज्यादा बंदे बार बार पूछ रहे थे कि स्काउट कहाँ पे है एंड वो किस रीजन से अपनी टीम के साथ नहीं खेल रहे। तो इसको लेकर स्काउट ने यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो कुछ रीजन की वजह से कहीं बाहर जा रहे हैं एंड इसके बाद यहाँ पे पारितोष से जब किसी ने पूछा था कि भाई स्काउट कहाँ गया हुआ है तो पारितोष ने काफी फनी वे में ये कहा, सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है कैप्टन एमडी को लेके। तो रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैप्टन एमडी का कहना है कि हाइड्रा हनी जो है वो हैकर के साथ अपनी रैंक पुश कर रहे हैं एंड उस वीडियो में कैप्टन एमडी ने काफी सारे प्रूफ दिखाए थे जिसमें उनका कहना था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रा हनी जिस बंदे के साथ खेल रहे हैं ये हैक यूज कर रहा है। तो इसी को लेकर कैप्टन एमडी ने यहाँ पे एक और वीडियो अपलोड करी है जिसमें उन्होंने काफी सारे प्रूफ दिखाते हुए ये बताया कि काफी लोग बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि आप कैसे कह सकते हो ये रियल में हाइड्रा हनी है। तो इसके बारे में भी कैप्टन एमडी ने सब कुछ क्लियर करते हुए बताया, साथ ही साथ वो जो बंदा था उसकी भी आईडी यहाँ पे कैप्टन एमडी ने दिखाई है एंड वहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि उसकी जो हेडशॉट का परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। तो जिन्हें भी कैप्टन एमडी की वो वीडियो देखनी है उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं बट उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। बंदे का आईडी मेरे को मिल गया, तो भाई इस बंदे का आईडी खोलने के बाद हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है? स्टैट्स पे जाते हैं, तो स्टैट्स पे जाकर हम लोगों को क्या मिलता है यार? खुल जा, हाँ स्टैट्स नॉर्थ अमेरिका नहीं, एशिया में करंट सीजन में कोई मैचेस नहीं खेला है तो सीजन 10 में देखते हैं। सीजन 10 में हाँ बहुत सही, मतलब केडी रेशियो ठीक ठाक है, लेकिन क्या यार हेडशॉट रेशियो भैया 60% के करीब। बाद इस बंदे का अगर पॉपुलैरिटी चेक करते हैं तो इसको पॉपुलैरिटी किसने दिया? ओह माय गॉड, हाइड्रा हनी, और ये हाइड्रा हनी कोई फेक हाइड्रा हनी नहीं है। प्रोफाइल जाने के बाद भाई दिखता है कि हाँ यार ऑफिशियल हाइड्रा हनी, ऑफिशियल हाइड्रा क्लैन के मेंबर जिसका सरताज है हमारे डायनामो भैया। इसके साथ ही साथ कैप्टन एमडी ने यहाँ पे ये भी बताया कि इस मैटर से रिलेटेड उन्होंने हाइड्रा हनी से बात करी थी एंड इसके बाद हाइड्रा हनी ने कैप्टन एमडी को उस मैच की जो रिकॉर्डिंग थी वो भेजी थी बट यार उसकी जो ऑडियो थी वो म्यूट कर दी थी। साथ ही साथ हाइड्रा हनी ने यहाँ पे ये भी बताया कि इस मैटर के बारे में हाइड्रा डायनामो को पहले से पता है एंड जब डायनामो ने उनसे पूछा था कि आप किस बंदे के साथ खेल रहे हो, क्या ये सच में हैकर है या नहीं, तो इस पे जो भी क्लैरिफिकेशन देना था हाइड्रा हनी ऑलरेडी डायनामो को दे चुके हैं। इससे रिलेटेड मेरे साथ हाइड्रा हनी की बात होती है, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे बात होती है तो वो बंदा बोलता है कि भाई ये मैच जो है वो मतलब आधा ही रिकॉर्डेड है मेरे पास तो मैं ये भेज रहा हूँ, तो आप मतलब तुमको समझ में आ जाएगा ये जो बंदा है ये हैकर नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई हाँ यार दे दो यार वीडियो क्लिप दे दो, तो उस बंदे ने मेरे को वीडियो क्लिप दिया है, लेकिन वीडियो क्लिप आप लोग देख लो, 2-3 सेकंड ही देख लो, कोई बात नहीं।
तो आप लोगों ने देख लिया ना, तो इस वीडियो क्लिप में एक चीज मिसिंग है, वो है ऑडियो। मतलब ये वीडियो जब मैंने देखा ना कि भाई इसमें से ऑडियो गायब है, तो भाई मैंने समझ गया भाई कि ये भाई कुछ लोचा है, क्योंकि भाई हाइड्रा डायनामो ने पूछा था एंड आई गेव हिम माय क्लैरिफिकेशन। तो हाइड्रा डायनामो मतलब हमारे डायनामो भैया को इस बंदे ने क्लैरिफाई किया था कि भाई मैंने हैकर के साथ नहीं खेला है भैया, मेरे को क्लैन से मत निकालो भैया। तो डायनामो यार, जो भी बंदा देख रहा है, डायनामो को ये चीज पहुंचा देना कि भाई देखो यार, तुम्हारा एक जो बंदा है हाइड्रा स्लेयर, वो 10 साल के बैन पड़ा है इसको, और ये जो बंदा है तुम्हारा हाइड्रा हनी, ये हैकर के साथ खेल रहा है, तो भाई देखो यार तुम क्या कर सकते हो। या फिर सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या सच में हाइड्रा हनी रैंक उसके लिए किसी हैकर के साथ खेल रहे हैं, या फिर इस बंदे के जो हेडशॉट परसेंटेज एंड केडी वगैरह है उसे देख के आपको क्या लगता है कि ये बंदा हैकर है या नहीं, मुझे यार नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है क्रॉन्टन गेमिंग को लेकर। तो रिसेंटली क्रॉन्टन गेमिंग ने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने काफी सारी बातें करी जो कि गेमिंग कम्युनिटी में स्कैम वगैरह चल रहा है या फिर जो टॉक्सिसिटी फैली है उससे लेके। यहाँ पे क्रॉन्टन गेमिंग ने ये भी बताया कि फिलहाल यह गेमिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा यूसी स्कैम चल रहा है, जिसमें कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि आपको मैसेज करेंगे या फिर आपसे कॉन्टेक्ट करके ये कहेंगे कि आप मुझे काफी कम रुपए दीजिए एंड मैं उतने में आपको काफी ज्यादा यूसी दिलवा दूंगा। तो क्रॉन्टन ने यहाँ पे सबसे रिक्वेस्ट करी, आप किसी भी ऐसे मैटर में ना पड़े, अगर आपको सच में यूसी वगैरह खरीदना है तो आप पबजी मोबाइल की इन गेम शॉप से ही खरीदे या फिर एक मेटास बाई करके वेबसाइट है, आप उससे यूसी परचेस कर सकते हैं। तो क्रॉन्टन के वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूसी के चक्कर में स्कैम हो जाता है आपके साथ, कोई वेबसाइट यूसी के लिए बोलते हैं फ्री यूसी वगैरह, और वहाँ पे आप आईडी पासवर्ड डाल के फिर आपके साथ स्कैम हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको यूसी लेना है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, वो है इन गेम, या फिर दूसरा एक और ऑप्शन है पबजी मोबाइल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर। तो या तो आप इन गेम ले लो या फिर पबजी मोबाइल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट www.pubgmobile.com ये करके है, या फिर मैं यहाँ पे आपको वीडियो में दिखा दूंगा, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, बस यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा कहीं कहीं पर भी मैं तो कहता हूँ कभी भी मत परचेस करना। दूसरी बात आती सो हमारी अगली जो न्यूज है वो है स्काउट एंड ओलिव के बीच में हुए एक छोटे से मैटर को लेके। तो जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करा था, तो आप एक बार वो वीडियो देख के सारा मैटर समझ लेना। तो उसमें ओलिव ने स्काउट के लिए ये कहा था कि अगर 5 इंच की हील पड़ेगी तो काफी ज्यादा दर्द होगा, एंड इसके बाद यहाँ पे काफी लोग ये कह रहे थे क्या स्काउट इसका रिप्लाई देंगे या नहीं देंगे। तो स्काउट ने यहाँ पे काफी फनी वे में इसका रिप्लाई दिया है, एंड स्काउट का कहना है कि भाई मैं तो 5 इंच की हील से डर गया। ब्रेकिंग न्यूज आप सबके लिए ये है कि 5 इंच की हील से काफी लोगों को मारा जा रहा है, एंड मैं तो यार सच में डर गया हूँ। तो बेटर यही है कि स्काउट ने इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे खत्म कर दिया एंड अब वो पूरी तरह से अपने गेम पे फोकस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप मुझे यार थोड़ा भी सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में काफी सारी गेमिंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड लक।